हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू मिनी ब्लॉग। तो अभी जा रहे हैं हम लोग पारवेज के घर। तो पारवेज के घर से वहां जाएंगे एक जगह, तो आप लोग देखिए। फाइनली पारवेज के घर आने के बाद पारवेज को देख रहे हैं लुंगी में है। तो पारवेज के घर से पिक करने के बाद हम लोग आ गए थे एक नदी के किनारे, क्योंकि हम लोग को जो जगह जाना था तो नदी के उस पार था, और नदी के उस पार जाने के लिए हम लोग को ये रास्ता मिला। और नदी में एक मतलब पानी ही नहीं था, तो नदी के अंदर से हम लोग पार हो गए और मस्ती करते हुए हम लोग आगे जा रहे थे। हे गाइस, जहाँ हम लोग आने चाहते थे तो चारों तरफ खेत और आम का पेड़ था। तो हाँ, हम लोग आम कच्चा आम खाने आए थे और आम का सीज़न चल रहा था, तो सोचे कि चलो कच्चा आम खाने चलते हैं। और यहाँ से हम लोग आ गए और देख सकते काफ़ी लटक रहा था आम नीचे तक, तो मैंने ये आम को तोड़ लिया। अच्छा लगा, तोड़ने के बाद हम इसका रस निकाल रहा था और माँ जहाँ और हम मस्ती करने लगे आम को लेके, क्योंकि वो भी एक तोड़ा था। तो यहाँ हम ये आपको लोगों को आम दिखाने जा रहा था, इधर ये लोग पीछे सेल्फी ले रहा था, तो फटाफट मैं भी जाके इन लोगों के साथ सेल्फी ले लिया। फिर सेल्फी लेने के बाद देसी स्टाइल से आम को घिस रहे थे, क्योंकि रस जो निकल रहा था वो ना निकले। फिर देसी तरह से हाथ से मतलब तोड़ के ज़्यादा टेस्ट लगता है आम। फिर पारवेज नमक और मिर्ची मिक्स करके एक मसाला लाया था, काफ़ी टेस्ट लगता है आम के साथ। आप लोग भी ट्राई करना, अगर आप लोग खाए हैं तो आप लोग जानते हो कैसा लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ, सबीर और मजाहर बहस कर रहे थे कि तुम आगे चलो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ढके रहा था। तो फाइनली हम लोग आगे बढ़े और वहाँ से निकल गए। तो आई होप आप लोग को ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक शेयर कर देना।